नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल इंडियन लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के महत्वपूर्ण टॉपिक दान पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हमारे नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। प्रावधान संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अध्याय 7 धारा 122 से 129 में दान से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं। परिभाषा धारा 122 दान को परिभाषित करती है जिसके अनुसार दान किसी वर्तमान चल या अचल संपत्ति का वह अंतरण है जो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को स्वेच्छा से और बिना प्रतिफल के किया गया है तथा दूसरा व्यक्ति उस संपत्ति को प्रतिग्रहित कर ले। संपत्ति देने वाला दाता डोनर तथा प्रतिग्रहित करने वाला अदाता डोनी कहा जाता है। प्रतिफल से मतलब किसी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेना है। दान में दो पक्षों का होना आवश्यक है। दान देने वाले व्यक्ति को दाता दानकर्ता के नाम से जाना जाता है। दान लेने वाले व्यक्ति को अदाता कहा जाता है जो दान की स्वीकृति करता है या दान की संपत्ति अदाता की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा स्वीकार किया गया है। महत्वपूर्ण बातें दान में मिल रही चल या अचल संपत्ति की स्वीकृति दानकर्ता के जीवन काल के दौरान या उस समय अवधि के भीतर की जानी आवश्यक है जब तक दानकर्ता दान देने के लिए सक्षम है। यदि अदाता द्वारा संपत्ति के प्रतिग्रहण के पूर्व दाता की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में हुआ दान शून्य होगा। दान उदारता का एक ऐसा कार्य है जो किसी कानूनी दायित्व को पूरा करने के लिए नहीं किया जाता है और ना ही यह किसी आशय से किया जाता है कि अदाता पर किसी प्रकार का दायित्व या भार सृजित हो। दान एक ऐसा कार्य होता है जिसका उद्देश्य अंतरिति को प्रत्येक दशा में फायदा कराना होता है। दान के प्रकार दान तीन प्रकार का हो सकता है। जीवित दाता द्वारा जीवित अदाता को दान, मृत्युशैया पर मृत्यु की आशंका में किया गया दान, वसीयत द्वारा दान। ध्यान दें, मृत्युशैया पर दिए गए दान या वसीयती दान के मामलों में संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के नियम लागू नहीं होते। दान के आवश्यक तत्व दाता दाता से आशय उस वयस्क व्यक्ति से है जो कि दान देने में सक्षम है और अपनी चल या अचल संपत्ति का अंतरण अपनी स्वेच्छा से करता है, उस व्यक्ति को दाता या दानकर्ता कहा जाएगा। अदाता अदाता से आशय उस निश्चित व्यक्ति से है जिसको दान दिया जाना है या जिसको दान दिया गया है या वह व्यक्ति जो अदाता की ओर से दान स्वीकार करता है या जिसके द्वारा दान का स्वीकार किया जाना है वह व्यक्ति अदाता कहा जाएगा। प्रतिफल का अभाव एक वैध दान का आवश्यक तत्व यह भी है कि दान में प्रतिफल का अभाव होना जरूरी है। प्रतिफल का अभाव होने से मतलब यह है कि जब भी किसी चल या अचल संपत्ति का दान दिया जाए तो वह दान प्रतिफल के बिना हो, दान के बदले किसी अन्य वस्तु की मांग ना की जाए। स्वेच्छा दान के लिए आवश्यक है कि स्वेच्छा से किया गया हो, ना कि किसी के दबाव में आकर। यदि कोई व्यक्ति अपनी चल या अचल या स्थावर संपत्ति का दान किसी जोर दबाव में आकर करता है तो वह दान शून्य दान होगा। विषय वस्तु दान के लिए विषय वस्तु का होना बहुत आवश्यक है। विषय वस्तु ऐसी चल या अचल संपत्ति हो सकती है जो निश्चित हो और ऐसी संपत्ति का अस्तित्व में होना आवश्यक है। दान में दी जाने वाली संपत्ति का वर्तमान में अस्तित्व में होना जरूरी है, भावी संपत्ति का दान शून्य होगा। अंतरण दान में अंतरण एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। दानकर्ता जब भी कोई अपनी चल या अचल संपत्ति का दान करता है तो दान की जाने वाली संपत्ति दान लेने वाले व्यक्ति के नाम संपूर्ण अधिकारों को अंतरित कर दे। स्वीकृति दानकर्ता द्वारा दान में दी गई संपत्ति की स्वीकृति दान लेने वाले व्यक्ति द्वारा की जानी आवश्यक है। यदि दानकर्ता ऐसा दान किसी बालक को करता है जो दान लेने में असक्षम है तो ऐसे दान की स्वीकृति उस बालक के संरक्षक के द्वारा की जानी चाहिए। दान की स्वीकृति दानकर्ता के जीवन काल में कर लेनी चाहिए जब वह दान करने के लिए सक्षम है। दान की कुछ महत्वपूर्ण बातें संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत दान की अवधारणा चल तथा अचल दोनों संपत्तियों के विषय में लागू होती है। अधिनियम के दान संबंधी सिद्धांत मुस्लिम विधि के अंतर्गत होने वाले दान संव्यवहारों में उस स्थिति में लागू नहीं होगी जब अधिनियम की व्यवस्था एवं मुस्लिम विधि की व्यवस्था में कोई स्पष्ट विषमता हो। दान समानता अखंडनीय ही माना गया है लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में इसके खंडन की अवधि 3 वर्ष निश्चित की गई है।
दान करने वाले दाता की योग्यताएं। दाता बालिग हो, वह स्वस्थ मस्तिष्क वाला हो, वह किसी प्रकार की अक्षमता का शिकार ना हो। दाता को दान दी जाने वाली संपत्ति का स्वामी होना चाहिए या संपत्ति के असली स्वामी से दान करने का अधिकार रखता हो। अदाता के लिए योग्यताएं, उसे केवल जीवित होना चाहिए। यदि वह स्वस्थ मस्तिष्क एवं वयस्क हो तो अच्छी बात है और वह दान को स्वीकार कर सकता है। यदि ऐसा नहीं है तो उसका संरक्षक दान को स्वीकार कर सकता है। अदाता विधिक व्यक्ति भी हो सकता है। अदाता निश्चित होना चाहिए, अर्थात दान सामान्य जनता के पक्ष में नहीं किया जा सकता। दान में पंजीकरण का महत्व। अचल संपत्ति का दान बिना रजिस्ट्री के अवैध माना जाएगा, जबकि चल संपत्ति का दान बिना रजिस्ट्री के कब्जे के आधार पर संभव है। पंजीकरण दाता या अदाता या दोनों की मृत्यु के बाद भी संभव है। पंजीकरण दाता की इच्छा के विपरीत भी कराया जा सकता है। पंजीकरण अधिनियम की धारा 34, 35, 58, 59 की औपचारिकताओं की पूर्ति ही दान संव्यवहार की आवश्यक शर्त है। संपत्ति अंतरण अधिनियम में पंजीकरण से संबंधी व्यवस्था आदेशात्मक है। बिना हस्ताक्षर के दान अवैध होगा, उसके हस्ताक्षर को कम से कम दो व्यक्तियों द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। मौखिक दान अधिनियम में अचल संपत्ति के मौखिक दान का कोई उल्लेख नहीं है। मौखिक दान केवल चल संपत्ति का हो सकता है। मुस्लिम विधि में चल एवं अचल दोनों संपत्तियों का मौखिक दान हो सकता है। मुस्लिम विधि में कब्जा अनिवार्य है। अंतरण कैसे किया जाता है? धारा 123 के अनुसार अचल संपत्ति का दान पंजीकृत विलेख द्वारा ही संभव है, चाहे संपत्ति की मालिकियत कुछ भी हो। दान विलेख पर दाता या उसके किसी मान्य प्रतिनिधि का हस्ताक्षर होना चाहिए। कम से कम दो व्यक्तियों द्वारा दान विलेख का अनुप्रमाण होना चाहिए। न्याय दृष्टांत एसी डिसूजा व अन्य बनाम फ्रेंडविज AIR 1998 केरल के बाद में यह कहा गया कि दान एक दस्तावेज पर होता है जिसमें दो प्रमाण साक्षीगण की अपेक्षा होती है। जहां ऐसा कोई सबूत नहीं होता है कि विवादित दान विलेख दो साक्षीगण द्वारा अभी प्रमाणित था, वहां दान अवैध होता है। वर्तमान और भावी संपत्ति का दान धारा 124। धारा 124 के अनुसार जिस दान में वर्तमान व भावी संपत्ति दोनों समाविष्ट हों, वह भावी संपत्ति के विषय में शून्य है। धारा 124 में वर्तमान तथा भविष्य में प्राप्त होने वाली संपत्तियों का मिश्रित दान को अंशतः वैध माना गया है। दान केवल भविष्य में स्थिति पाने वाली संपत्तियों के लिए अवैध होगा। ऐसे कई व्यक्तियों को दान जिसमें एक प्रतिग्रहित नहीं करता है। धारा 125। धारा 125 के अनुसार ऐसे दो या दो से अधिक व्यक्तियों को किसी वस्तु का दान जिसमें एक उसे प्रतिग्रहित नहीं करता है, उस हित के संबंध में शून्य है, जिसे यदि वह प्रतिग्रहित करता तो वह लेता। कब दान को निलंबित या निरस्त किया जा सकता है? धारा 126 उन परिस्थितियों का विवरण देती है जिसमें दान का निलंबन या रद्द किया जा सकता है। दान का विखंडन निम्नलिखित ढंग से संभव है। करार द्वारा, जबकि स्पष्ट करार हो, यह करार दान के समय ही होना चाहिए। करार द्वारा दोनों पक्षकार यदि चाहें तो दाता को यह अधिकार दिया जा सकता है कि किसी ऐसी घटना जिस पर कि दाता का कोई नियंत्रण ना हो कि घटित होने पर दान शून्य होगा, ऐसी घटना पर आधारित विखंडन का अधिकार वैध होगा। विधि द्वारा, जहां दान अनुचित दबाव में कपट या मिथ्य व्यपदेशन मिस इंटरप्रिटेशन या भूल की स्थिति में किया गया हो, उस दान को निरस्त किया जा सकता है। दृष्टांत, ए ने बी को एक खेत दान में दिया। दान होते समय यह शर्त रखी गई कि यदि बी ए के जीवन काल में ही निसंतान मर जाएगा तो दान शून्य होगा। बी की 10 साल बाद निसंतान अवस्था में मृत्यु हो गई, इस दान को खंडित किया जा सकेगा। बी को ए 1,00,000 रुपये बी की अनुमति से यह अपना अधिकार सुरक्षित रखते हुए देता है कि वह उन 1,00,000 रुपयों में से 10,000 रुपये जब ची चाहे वापस ले सकेगा। 90,000 रुपये के बारे में दान वैध है, किंतु 10,000 रुपये के बारे में जो एक ही बने रहते हैं शून्य है। दुर्भर दान धारा 127 में दुर्भर दान का विवरण दिया गया है। इसके अनुसार यदि किसी दाता ने किसी अदाता को कोई ऐसी संपत्ति दान में दी है जिस पर कुछ भार भी हो तथा इसमें कुछ लाभ भी हो, तो भारयुक्त ऐसी उपलब्धि दुर्भर दान कही जाती है। दुर्भर दान में सामान्य दान के सभी तथ्यों की उपस्थिति आवश्यक है तथा इसका नियंत्रण सामान्य दान में लागू होने वाले सिद्धांत द्वारा ही होता है।
दुर्भर दान की पहली शर्त अदाता है जो केवल एक ही व्यक्ति हो सकता है। सामान्य दान में एक साथ कई व्यक्ति अदाता हो सकते हैं। दुर्भर दान उसी स्थिति में होगा जबकि एक ही एवं उसी अदाता को ऐसी कई संपत्तियां दान की गई हैं जिसमें कुछ भारग्रस्त हों तथा अन्य भार रहित हों। धारा 127 में उस स्थिति के बारे में बताया गया है जब कोई व्यक्ति दान एक ही करे लेकिन उसमें कई संपत्तियां शामिल हों, जिसमें कुछ पर भार हो एवं दायित्व हो तथा कुछ स्वतंत्र एवं बिना भार के हों। दान दी जाने वाली संपत्तियां भारयुक्त होनी चाहिए। भारग्रस्त एवं भार रहित संपत्तियां एक ही संव्यवहार द्वारा दान की जानी चाहिए। भारयुक्त एवं भार रहित संपत्तियों का उसी व्यक्ति को पृथक पृथक दान दुर्भर दान की स्थिति को जन्म नहीं देगा। अधिनियम की धारा 127 के द्वितीय भाग में निहित सिद्धांत का आधार भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 123 है जिसमें दुर्भर दान के द्वितीय स्वरूप का वर्णन है। इसके अनुसार एक ही व्यक्ति को कई संपत्तियों का दान स्वतंत्र रूप से अलग अलग हिबानामों द्वारा किया गया हो तो प्रत्येक दान स्वतंत्र अंतरण होगा। अदाता ऐसी स्थिति में स्वतंत्र होगा कि लाभ देने वाले स्वतंत्र दान ले ले और दायित्व डालने वाला दान अस्वीकार कर दे। दूसरे भाग में दान के कई अंतरण विलेख होंगे। इसके द्वारा अनेक संपत्तियों के पृथक स्वतंत्र दान किया जाएगा। सर्वस्व अदाता। धारा 128 में सर्वस्व अदाता के बारे में बताया गया है। इस धारा के प्रावधानों के अनुसार संपूर्ण संपत्ति स्वीकार करने वाला अदाता दाता के सभी ऋणों और भारों के लिए दायित्वधीन हो जाता है। यदि सर्वस्व अदाता दान ग्रहिता अवयस्क है तो वह किसी भी प्रकार के दायित्वधीन नहीं होगा जब तक कि वह वयस्कता प्राप्त कर लेने के बाद संपत्ति को ग्रहण नहीं कर लेता है। सर्वस्व अदाता वह व्यक्ति है जिसे दाता की सारी जायदाद दान में मिल चुकी हो। यह स्थिति सामान्यतः उस समय उत्पन्न होती है जबकि दाता संन्यास ले ले या संसार का परित्याग कर दे। दाता के पास चल या अचल कोई संपत्ति अवशेष नहीं बचनी चाहिए। सर्वस्व अदाता दान के द्वारा प्राप्त संपत्ति की सीमा तक दाता के ऋणों के लिए जिम्मेदार होता है। उसे इस संपत्ति का प्रयोग तब तक दाता के ऋणों को चुकाने में करना होगा जब तक कि उसकी पूर्ण संतुष्टि न हो जाए। अपवाद। धारा 129 में दो अपवाद दिए गए हैं जिन पर धारा 122 से 128 तक की कोई भी नियम लागू नहीं होंगे। ये अपवाद निम्न प्रकार के हैं। मृत्युशैया पर मृत्यु की आशंका में किया गया दान। मुस्लिम विधि में हिबा। हिबा क्या है? हिबा दान और गिफ्ट का ही एक स्वरूप है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को किसी अन्य को दान करता है। कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा अर्जित की गई संपत्ति को किसी अन्य को जितनी चाहे उतनी हिबा कर सकता है। एक मुसलमान व्यक्ति को अपनी संपत्ति को हिबा करने के अनियंत्रित अधिकार दिए गए हैं। हिबा की परिभाषा देते हुए मुल्ला ने कहा कि हिबा असल में संपत्ति का अंतरण है। इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में हिबा को रजिस्ट्रेशन से छूट दी गई है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हमारे नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।